रणवीर सिंह से शादी करने से पहले दीपिका पादुकोण के रह चुके हैं ये 7 लव अफेयर्स। हाल ही में आए कॉफी विद करण के एपिसोड में दीपिका और रणवीर को देखा गया था और इसी शो पर दीपिका के एक स्टेटमेंट ने पूरे इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। आइए देखते हैं दीपिका पादुकोण के कुछ लव अफेयर्स। निहार पांड्या। बीते दिनों में दीपिका का नाम मुंबई के एक मॉडल निहार पांड्या से जोड़ा जाता था। कहा जाता है कि दीपिका फिल्मों में काम करने से पहले उन्हें डेट कर रही थी। यह उस समय की बात है जब दीपिका बैंगलोर से मुंबई आई थी। अपने 3 साल के रिलेशनशिप के बाद इन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। इसके अलावा निहार ने अपना बॉलीवुड डेब्यू सन 2019 में आई फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी से किया था। निहार पांड्या की अब शादी पॉपुलर सिंगर नीति मोहन से हो चुकी है। उपेन पटेल। 36 चाइना टाउन और नमस्ते लंदन जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभा चुके उपेन पटेल का नाम भी बीते दिनों में दीपिका पादुकोण के साथ जोड़ा जा चुका है। जी हाँ, जहाँ इन दोनों के बारे में बेहद कम लोग जानते हैं, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कपल ने ना सिर्फ एक बल्कि 2 बार ब्रेकअप किया था। ये दोनों एक दूसरे को अपने मॉडलिंग करियर के दिनों से जानते थे, लेकिन कुछ समय तक साथ रहने के बाद इन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए और दीपिका अनुपम खेर की एक्टिंग क्लासेस में भाग लेने मुंबई चली आई, जिसके दौरान वो निहार के करीब आई। MS धोनी। बॉलीवुड और क्रिकेट का बहुत ही पुराना रिश्ता रह चुका है। भारत के मशहूर क्रिकेटर धोनी और दीपिका के साथ होने की चर्चाएं उस समय काफी सुर्खियां बटोर रही थी। हालांकि दोनों ने ही अपने साथ होने की खबरों पर कुछ जवाब नहीं दिया था, लेकिन इन्हें काफी समय के लिए साथ देखा गया था। इतना ही नहीं, एक इवेंट के दौरान माही ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें दीपिका बेहद पसंद है। युवराज सिंह। दीपिका का नाम ना ही सिर्फ धोनी से बल्कि भारत के बेहतरीन क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ भी जोड़ा जा चुका है। कहा जाता है कि जब दीपिका और धोनी एक दूसरे से अलग हो गए थे, तब दीपिका का दिल युवराज पर आ गया था। हालांकि ये दोनों बहुत ही कम समय के लिए रिलेशनशिप में क्यों ना रहे हों, पर इन्हें कई दफा इवेंट्स पर साथ देखा जाता था। रणबीर कपूर। अब रणबीर और दीपिका के लव अफेयर के बारे में कौन नहीं जानता। ये दीपिका का सबसे लंबा रिलेशनशिप रह चुका है, जहां वो इस कदर रणबीर से प्यार कर बैठी थी कि उन्होंने उनके नाम का टैटू करवा लिया था। इन दोनों की प्रेम कहानी 2007 में शुरू हुई थी, जब वो दोनों अपने मेकअप आर्टिस्ट डोरिस के जरिए एक दूसरे से मिले थे। जहां इन दोनों को ऑलरेडी मेड फॉर ईच अदर मान लिया गया था, वहीं ये दोनों सबकी उम्मीद तोड़कर अलग हो गए। कहा जाता है कि रणबीर को अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग के दौरान कटरीना से प्यार हो गया था और उन्होंने दीपिका को धोखा दे दिया, जिसके चलते वो दोनों अलग हो गए। सिद्धार्थ माल्या। जब IPL के दौरान इन दोनों को स्टैंड्स पर किस करते देखा गया, तब इन्हें साथ होने की खबरें आग की तरह लोगों के बीच फैलने लगी। जहां इन दोनों ने अपने साथ होने के बारे में सबको खुलकर बताया, वहीं इनके बीच का प्यार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया और इन्होंने जल्दी अपने रास्ते अलग कर लिए। मुजम्मिल इब्राहिम। मुजम्मिल एक भारतीय मॉडल और एक्टर हैं, जिन्होंने 2007 में आई फिल्म धोखा के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि दीपिका और मुजम्मिल के बीच काफी समय के लिए कुछ रहा था और इन्होंने अपने साथ होने के बारे में कभी खुलकर किसी से बात नहीं की। लेकिन आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि मुजम्मिल को फिल्म ये जवानी है दीवानी में रोल करने के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन क्योंकि वो दीपिका के साथ काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया। रणवीर सिंह। हाल ही में रणवीर के साथ अपनी खूबसूरत सी लव स्टोरी पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाकर दीपिका ने कॉफी विद करण के एपिसोड के जरिए बहुत सुर्खियां बटोरी हैं। दीपवीर की प्रेम कहानी 2012 में शुरू हुई थी। फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला से शुरू हुई इनकी प्रेम कहानी 2015 में एक अहम मोड़ पर पहुंची, जब रणवीर ने दीपिका को शादी के लिए पूछा और फिर 2018 में इन दोनों ने अपने प्यार को शादी के बंधन से बांध लिया।